दोस्तों बर्फ का और नमक का जो रिश्ता होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि जब बर्फ पे नमक को डाला जाए तो बर्फ का जो टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा होता है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है और उससे एनवायरमेंट को ज्यादा जल्दी और एफिशिएंटली ठंडा किया जा सकता है। और इसी तरीके की रिसर्च में रिसर्चर्स लगे हुए हैं लॉरेंस बार्कले नेशनल लैब के अंदर के एक नए तरीके के एसी को डेवलप करा जाए जो कि इस्तेमाल करे बर्फ का और नमक का ये सेम प्रिंसिपल। तो आखिर कैसे काम करता है नए तरीके का एसी और ये हमारे ट्रेडिशनल एसी से कितना ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी के अभी करो ऐसी सुपर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों ये जो हीट पंप का कॉन्सेप्ट है ये हमारे एसी में भी इस्तेमाल होता है, फ्रिज में भी इस्तेमाल होता है, कूलर्स में भी इस्तेमाल होता है, जहां पे कि एक जगह से हीट को उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है और इसी चीज को हीट पंप बोला जाता है। पुराने टाइम में जो हीट पंप्स होते थे या फिर आज की डेट में भी वैसे ही हीट पंप्स आते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होता था सीएफसी गैसेस का। और फिर जब हमें पता लगा कि यार ये सीएफसी गैसेस हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो फिर इंट्रोड्यूस करी गई एचएफसी गैसेस। तो ये जो एचएफसी गैस होती है ये सीएफसी की तरह हमारे ओजोन लेयर को तो इफेक्ट नहीं करती, मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है, उसी से 2000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैसेस होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एचएफसी का भी एक मेजर इंपैक्ट रहता है एनवायरनमेंट पे, और वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है कि जब ये एचएफसी भी बैन हो जाएंगे। तो हम ये नए तरीके की रिसर्च समझें जिसमें कि सॉल्ट का इस्तेमाल करा जा रहा है कूलिंग के लिए, उससे पहले हमें इसका कुछ बेसिक फंडा समझना पड़ेगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैलोरिक मटेरियल्स। अब ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर ये सॉलिड होते हैं। तो इनके अंदर अगर कोई भी एक एडिशनल फोर्स लगाई जाए, चाहे तो वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे तो वो हमारी स्ट्रेंथ की फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, किसी भी तरीके की फोर्स लगाई जाए तो ये मटेरियल्स हीट हो जाते हैं, और वापस इनसे फोर्स हटा ली जाए तो ये कूल डाउन हो जाते हैं। तो जो मटेरियल्स मैग्नेटिक फोर्स के पास आने से गर्म हो जाते हैं और मैग्नेटिक फोर्स के हटने से ठंडे हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल्स। और उसी की तरह कुछ मटेरियल्स प्रेशर के अंदर हीट हो जाते हैं और जैसी प्रेशर हटता है वो ठंडे हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बैरोकैलोरिक मटेरियल्स। और इसी तरीके के एक मटेरियल का इस्तेमाल तो नासा के मार्स रोवर में भी होता है जिसका नाम है निटनॉल। ये एक निकल और टाइटेनियम का मिक्सचर है, एक निकल टाइटेनियम एलॉय है, और ये वाला मटेरियल एक इलास्टोकैलोरिक मटेरियल है। मतलब कि इस वाले मटेरियल को अगर आप खींचोगे तो ये गर्म हो जाएगा और वापस इसे छोड़ोगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और इसी तरीके के कैलोरिक मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है ये नए तरीके के हीट पंप में, और इसको बोला जा रहा है आयनोकैलोरिक कूलिंग सिस्टम। तो इसके अंदर रिसर्चर्स आइस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे ही हम आइस के अंदर सॉल्ट डाल देते हैं तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है, और सॉल्ट डालने के बाद में जब आइस धीरे धीरे मेल्ट होता है तो अपनी जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट को दे देता है और एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिसर्चर्स का कहना यह है कि क्यों ना अब इस आइस से जब हम सॉल्ट वापस ले लें तो इस प्रोसेस के अंदर हम आइस को वापस फ्रीज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आइस और सॉल्ट का एग्जाम्पल तो केवल समझाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो कंपाउंड ये लोग यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में वो कहीं ना कहीं कोई सॉल्ट ही है, बट वो हमारा रेगुलर सॉल्ट नहीं है। तो जो सॉल्ट ये यूज कर रहे हैं उसका नाम है सोडियम आयोडेट, और इसी के साथ साथ जो रेफ्रिजरेंट ये लोग यूज कर रहे हैं इसका नाम है इथाइलीन कार्बोनेट और ईसी। अब ये दोनों मटेरियल्स के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों मटेरियल्स बहुत सस्ते हैं, रेडिली अवेलेबल है। मतलब इनके लिए हमारे को कोई माइनिंग नहीं करनी, कहीं से कुछ नहीं निकालना है, रेडिली एनवायरमेंट में ही अवेलेबल है, और इसी के साथ साथ ये एनवायरमेंट के लिए सेफ भी है। नॉन फ्लेमेबल होने के साथ साथ ये ह्यूमंस के लिए भी सेफ है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान है। पहले जो आपका लिक्विड होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, उसके अंदर सॉल्ट को ऐड किया जाता है जिससे कि वो कूलिंग इफेक्ट दे देता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद में ये डीसेलिनेशन चैम्बर में जाता है जिसके अंदर एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, इसमें से सॉल्ट को वापस निकाल लिया जाता है, और फिर ये इसको हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है जहां पे ये अपनी हीट को बाहर छोड़ देता है, और अगेन ये इस साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर इसको देखा जाए कुछ कुछ हमारे रेगुलर एसी जैसा ही है, जिसके अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेसर से वापस लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और फिर वो एक्सपेंड होता है तो हमारे को वो कूलिंग इफेक्ट देता है। मगर इस वाले
वाले प्रोसेस में और हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेस में सबसे बड़ा फर्क है पावर कंजम्पशन का। जो हमारा कंप्रेसर जो मेन यूनिट होता है एसी की, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता है, बट इसके कंपैरिजन में जो इनका प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस का, वो बहुत कम एनर्जी ड्रॉ करता है। और अगर यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल एसी और ये नए वाले एसी का सीओपी देखा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो दोनों का कोएफिशिएंट तकरीबन 2.7 के आसपास ही आता है। अब जिन लोगों को सीओपी नहीं पता, ये होता है कि 1 किलोवाट एनर्जी देने पे हमारे को कितना हीटिंग या फिर कूलिंग इफेक्ट मिला। तो ये वाले एसी का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 किलोवाट एनर्जी देने पे समवॉट 2.75 किलोवाट का हीटिंग या फिर कूलिंग जनरेट करते हैं। अगर ये चीज इतनी ही अच्छी है और इतनी ही बिजली बचा सकती है, तो हम लोगों ने इसको अभी तक अपने घरों में क्यों नहीं देखा? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसकी लो एनर्जी डेंसिटी। जहां हमारा ट्रेडिशनल एसी की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है 3500 वाट पर लीटर रेफ्रिजरेंट, और वहां पे ही इस वाले एसी की, इस सॉल्ट वाले एसी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो है 6 वाट पर लीटर। इसका मतलब कि अगर हमें इसे ट्रेडिशनल एसी जितनी कूलिंग इफेक्ट अचीव करना है, तो हमारे को कहीं ना कहीं 600 किलो रेफ्रिजरेंट स्टोर करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ 300 किलो सॉल्ट स्टोर करना पड़ेगा। और इसी के बाद में इसको खाली स्टोर ही नहीं करना, इसको फंक्शनल बना पाना एक छोटे से रूम या फिर एक छोटे से हॉल को कूल करने के लिए, वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जितनी भी रिसर्च चल रही है अभी लैब बेस्ड रिसर्च है। मगर इसी के साथ साथ दोस्तों एक ऐसी रिसर्च है जो कि एक्चुअल में आ चुकी है, और वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को खास करके एसी के 50% तक कम कर सकती है, और उस चीज को बोला जाता है जियोथर्मल कूलिंग। अगर आपने हमारी उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि ये जियोथर्मल सिस्टम कैसे काम करता है, इस साइड में आ रही होगी, आप अभी के अभी जाके देख सकते हो।